वाली बात तो हाँ, खाना सबसे बढ़िया तो खाना ही है यहाँ का खाना, और कहीं इतना बढ़िया नहीं है जितना यहाँ। डोले मेरे यहाँ पीजी का खाना खा खा के ही बदे। और दूसरी बात यहाँ Alright, hey guys, what's up everybody? My name is Aryan and you're watching your own channel. तो guys, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले वन ऑफ द बेस्ट PGs इन द्वारका। देखो इसका नाम है किंग्स हॉस्टल और नाम से ही पता चलता है हॉस्टल है, तो आपको वहाँ जैसा एनवायरनमेंट देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। और देखो जब भी हम यहाँ आते हैं कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, नियर बाय कॉलेज की बात करें तो उसमें हमारा NSUT आता है, दीनदयाल आता है, गुरु गोविंद सिंह का मेन कैंपस USICT आता है। तो अब इनमें क्या प्रॉब्लम आती है ना, आप आते हो, आपको क्या ना यहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज मिलती तो है बट उनकी कैपेसिटी उतनी नहीं होती। तो अगर जो दिल्ली वाले कैंडिडेट्स हैं या फिर जो आउटसाइड दिल्ली जो ज़्यादा दूर नहीं है UP वगैरह हरियाणा वगैरह से, उनको हॉस्टल्स नहीं मिल पाते, तो वो आते हैं और आसपास PGs ढूंढते हैं जिनमें बहुत चैलेंज फेस करने को देखने को मिलता है। क्योंकि हम जब हम आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें यहाँ का बेस्ट PG मिले, हमें हाइजीन फैक्टर देखते हैं, हम खाने की क्वालिटी देखते हैं। तो ये PG हर PG से यही डिफ्रेंशिएट करता है अपने आप को कि यहाँ का खाना बेस्ट है, हाइजीन फैक्टर बेस्ट है। आप यहाँ की दाल देखोगे और वहाँ की दाल देखोगे ना, वहाँ की दाल में पानी पानी जैसी लगेगी, यहाँ की दाल एकदम गाड़ी घर जैसी जैसी मम्मी बनाती है, ठीक है। तो ऐसा आपको फ़र्क देखने को मिलता है। दोनों टाइप की फैसिलिटीज़ है, गर्ल्स PG भी, बॉयज़ PG भी। और एक चीज़ और, जब आपको ज्वाइन करना हो ना, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, लिंक होगा, उसको फिल आउट कर लो, हम आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगे। और अगर आप गूगल फॉर्म के थ्रू आते हो ना, आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो इस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर उठाना। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। और इस हॉस्टल की, इस PG की अगर सबसे बड़ी बिगेस्ट USP की बात करें तो वो है ह्यूमन टच। यहाँ पे आप आओगे आपको बिल्कुल अपनापन लगेगा, यहाँ के जो ओनर है, यहाँ के जो केयर टेकर है, वो बिल्कुल आपको एज अपना छोटा भाई ट्रीट करते हैं, बिल्कुल फैमिली वाली फील दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल आपकी केयर करके रखेंगे, अच्छा सिक्योरिटी, हर चीज़ मतलब हर चीज़ में बेस्ट है ये, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस टूर को। आप यहाँ पे आएंगे, देखिए एंटर, ये एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस गेट है। एंटर करते ही आप जब आप अंदर आएंगे, एंट्री करते ही सबसे पहले यहाँ आपको वॉशिंग मशीन मिलेगी जो कि हॉस्टल में भी होती है, बट 25 रुपीज पर बकेट होती है, यहाँ पे आपका फीस के अंदर इंक्लूडेड है। ये आपको वाटर कूलर देखने को मिलता है, पूरा प्यूरिफाइड पानी आता है, ठंडा ठंडा, अपना गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं है, पानी की कमी नहीं आती यहाँ पे ज़्यादा। फिर यहाँ पे ये हमारा कॉमन एरिया है, कॉमन एरिया का आप देखेंगे ये हमारे डाइनिंग टेबल टाइप्स पूरा बढ़िया बना रखा है, सामने टीवी, आपको टीवी देखने, कुछ एंटरटेनिंग देखना, खाना खाते हुए आप सब बैठ के देख सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे मेस है, एक छोटी मेस अंदर किचन, आप अपने यहाँ खाना खुद डाल सकते हैं, अनलिमिटेड जितना मर्जी खाओ। और मेन चीज़ यहाँ की है ही खाना। तो मैं तो देखो, मैं भी इस PG में ना पिछले एक साल से रह रहा था, अब तो हॉस्टल चला गया, बट एक साल PG में मैंने निकाले यहाँ, और इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा ना, आज पूरा अच्छे से आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए अब ऊपर लेके चलते हैं आपको, बाकी यहाँ के ग्लिम्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे। तो गाइस एक चीज़ और, बीइंग अ NSUT स्टूडेंट, मैं आपको एक बेनिफिट और बताता हूँ। देखो हमारे जो PGs है ना यहाँ पे मल्टीपल PGs है, तो एक PG हमने पूरा NSUT फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को डेडिकेट कर रखा है, ताकि ना उनको एक वो एनवायरनमेंट मिल सके, वो मतलब माहौल मिल सके जो हॉस्टल में प्रॉपर मिलता है, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो उनके लिए एक बेनिफिट है, चलो बाकी आपको फटाफट ऊपर ले सकते। हमारा ये PG शुरू करने का कंसेप्ट ये था कि आसपास के एरिया में जो चीज़ बच्चों को चाहिए वो नहीं मिल पा रही थी, तो हमारा जो मोटो था स्टार्टिंग से ही, सर्विस ऐसी देनी है बच्चों को कि जिस सर्विस को हम एक्सपेक्ट करते हैं अगर हम कहीं जाके रह रहे हैं, तो वही चीज़ अगर हमारे बच्चों को मिलती है तो डेफिनेटली कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कुछ ऐसा कुछ अलग वो नहीं है कि हम बिल्कुल ही डिफरेंट कुछ कर रहे हैं, जैसा हम अपने घर में अपने बच्चों के लिए करते हैं, सिर्फ अगर हम उतना ही यहाँ के बच्चों के लिए किए तो कोई कभी आने वाले टाइम में कभी दिक्कत नहीं आने वाली।
मैं अपने बारे में बहुत अच्छा कुछ बोल सकता हूँ इस वीडियो में, जो कि हर एक पीजी का ओनर बोलेगा जब भी आप उनसे फ़ोन पे बात करेंगे या इस तरीके का कोई वीडियो देखेंगे उस टाइम पे। हमारे ब्रांड एम्बेसडर हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे टेनेंट हैं जो हमारे पास रह रहे हैं। बेसिकली हम उनको टेनेंट कहते ही नहीं है, हमारे छोटे भाई अपने बच्चों की तरह हैं सभी। तो जब भी आप कभी आए मोस्ट वेलकम है आपका। मेरे से बाद में बात करना, जो हमारे पास बच्चे रह रहे हैं उनसे खाने का फीडबैक लेना, उनसे सर्विसेज का फीडबैक लेना, क्योंकि बेसिकली अगर कोई मेरे पास रह रहा है और वो सेटिस्फाइड है तो डेफिनेटली अगर आप आ रहे हैं तो आपको भी वही सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा। हम अपने बारे में कितना ही अच्छा बोल लें इस वीडियो में या जब आप हमें कॉल करेंगे तब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप विजिट करिए, अपना समझदारी दिखाइए जब भी आप लेते हैं पीजी, तो थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि आज आप थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए एक गलत पीजी में पहुंच जाते हैं और हर महीने दोबारा आपको चेंज करना पड़ता है, वो एक बहुत मुश्किल की बात होती है। रही बात हमारे पास आर्यन आज आए हुए हैं, जो कि हमारे पास पहले रह चुके हैं, करीब करीब एक साल रहे थे आर्यन, है ना। तो ये अगर हमारा अगर फीडबैक लेने के लिए आज पहुँचे हैं तो कुछ सोच के आए हैं, काफ़ी टाइम से कह रहे थे भैया आना है, हम एक अपना वीडियो बनाएंगे ताकि जो स्टूडेंट्स उनकी हेल्प हो सके, पहली बारी में एक अच्छी जगह पहुँच सके। तो आज ये पॉजिटिव मिली है। और एक और बात, हम जो भी आर्यन के थ्रू आते हैं जो गूगल फॉर्म इसमें दिया हुआ है तो उसको फिल करके अगर आप हमारे को अप्रोच करते हैं तो आपको 10% का हमारे जो रेट्स हैं उसमें डिस्काउंट मिलेगा। रेट्स की अगर बात करें तो हमारा ट्रिपल शेयरिंग से लेकर सिंगल शेयरिंग तक के ऑप्शन है। रेंट 10,000 से स्टार्ट हो जाता है, 15,000 तक जाता है। आज हम शूट कर रहे हैं इस वीडियो को जून 2024 में, तो ये आज के रेट्स हैं। आने वाले टाइम में साल दो साल बाद जब भी आप इस वीडियो को देख के आ रहे हैं तो डिपेंडिंग कि कुछ इन्फ्लेशन 5-7% जो साल का होता है उसी के अकॉर्डिंग हम खाली रेंट इंक्रीज करते हैं, तो वो उस टाइम क्या रेंट रहेगा आप एक बार फ़ोन करके कंफर्म कर लेना। बाकी आज के टाइम पे जो रेंट है 10,000 से लेके 15,000 तक हमारा ट्रिपल शेयरिंग से लेके सिंगल रूम तक अवेलेबल है। थैंक यू। तो गाइस अभी हम बैठे हैं डबल शेयरिंग रूम में, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा साइज़ है रूम का, सिंगल शेयरिंग का भी अच्छा खासा साइज़ है और ट्रिपल शेयरिंग का आपको वीडियो आपको ग्लिम्स में देखने को मिल जाएगा। देखो अभी ना हम इसमें सारी फैसिलिटीज़ कवर करने वाले हैं और अपना मैं थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस भी कवर करूँगा, ठीक है, इन एक दो मिनट में। सबसे पहला तो आता है हमारा एटमॉस्फेयर। यहाँ का आप एटमॉस्फेयर देखोगे काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फ्रेंडली लोग होते हैं यहाँ पे, डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, अलग अलग जगह से देखने को मिलते हैं, काफ़ी लोग कोचिंग कर रहे होते हैं, कुछ अलग मतलब कुछ दीनदयाल से, कुछ NSUT से, कुछ IPU से, तो काफ़ी अच्छा माहौल बनता है, काफ़ी कुछ यहाँ सीखने को मिलता है। अगली बात करें डिस्टेंस की, अब यहाँ पे क्या है ना हमारा NSUT दीनदयाल बगल में, अब अगर बगल में अब जैसे मान लो हमें बीच में लंच करने आना है तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं क्लास के बीच में एक घंटे का ब्रेक मिलता है तो सब लोग यहाँ पे आते हैं और बीच में लंच करके वापस चले जाते हैं। बाई चांस मान लो आपका लंच मिस हो जाए तो यहाँ पे आप मुकेश भाई को कॉल कर दो, वो आपका लंच पैक करके रख देंगे, ठीक है, ये एक बेनिफिट हो गया। फिर आपकी हाइजीन काफ़ी हाइजीनिक होते हैं, साफ सफाई रोज होती है, रूम देखो आप एक बार नीचे, कोई गंदगी नहीं मिलेगी, हर रोज साफ सफाई होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद रूम साइज की बात हमने कर ली, यहाँ के कुछ बेसिक फैसिलिटीज की बात कर ली। जब हम यहाँ पे आते हैं ना हमें क्या क्या मिलता है, एक ही टेबल एक ही चेयर, फिर एक हमें बेड देखने को मिलता है, बेडशीट देखने को मिलती है, पिलो देखने को मिलता है, ये देखो वॉशरूम भी हमें यहाँ देखने को मिलता है, दोनों टाइप के वॉशरूम्स हैं यहाँ पे, हिंदी भी इंग्लिश भी। फिर आपको एक सेपरेट अपनी अलमीरा मिलती है यहाँ पे, जो भी आपको पंखा मिलता है, आपको AC मिलता है, आपको यहाँ पे एक अपनी सेपरेट बालकनी मिल जाती है, वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है यहाँ का। फिर आपको बाहर आके दिखाएं यहाँ पे, चलो एक आपको अंदर तो वॉशरूम मिल गया, एक आपको यहाँ पे बाहर भी वॉशरूम मिल जाता है, ये देखिए ये एक वॉशरूम है हमारा। फिर आप यहाँ पे एक इस साइड आएंगे थोड़ा, फिर आप इस साइड आएंगे यहाँ पे आपको एक अपनी किचन देखने को मिलती है, यहाँ पे आप अपना कुछ भी खाना वाना बनाओ, ठीक है, आपको इंडक्शन दे रखा है वहाँ पे, बनाओ खाना, अंदर आपको वॉशरूम में गीजर देखने को मिल गए होंगे, सारी फैसिलिटीज है। फिर आप बाहर आओगे यहाँ पे आपको फ्रिज देखने को मिलता है अपना, यहाँ पे फ्रिज में कुछ भी सामान रखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना लोग यहाँ के अंदर सामान रखते हैं। यहाँ पे आप आओगे इन्वर्टर देखने को मिलेगा, डस्टबिन, गाइस आप देखो यहाँ पे हमारा मीटर है। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूँ कि आपकी ना 8 रुपीज एक यूनिट का लगता है, तो आप जो AC वगैरह चलाते हो उसका आपका एक यूनिट आता है ना तो उसमें आपका 8 रुपीज ऐड हो जाता है, तो जितनी यूनिट्स आती है उनका 8 मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। तो आप ये मान के चलो महीने का आपका अगर आप AC अच्छा खासा चला रहे हो तो 900,000 रुपये का बिल आपका बन जाता है, वैसे इतना नहीं बनता, आप अगर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो होता है ऐसा। बाकी हमें लिफ्ट की फैसिलिटी यहाँ देखने को मिलती है, ग्लिम्स में आपको मिल जाएगा, बाकी आपको आगे का टूर कराते।
तो गाइज राइट नाउ वी आर ऑन टेरेस, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा वेल मेंटेन्ड है। तो मेरे साथ यहाँ पे विपुल भैया है, तो हेलो विपुल भैया, एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो। हाय, माय नेम इज विपुल, मैं बेसिकली एयरटेल से हूँ। राइट नाउ आई एम डूइंग कोचिंग हियर फ्रॉम टाइम्स, मैं एमबीए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके, तो भैया आप कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे हो? इट हैज बीन वन मोर देन वन ईयर। ओके, तो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है? It's good, decent, प्यारा रहा है अभी तक तो, मतलब I was from internship as well, तो मेरा बहुत comfortable है, काफी supportive है management and all. तो भैया right now हम terrace पे हैं, ठीक है, तो terrace से related आप क्या बता सकते हैं? Free है, अगर यहाँ पे आप compare करोगे तो decent terrace है, आप walk कर सकते हो around, morning में आ सकते हो, exercise है, yoga something करने के लिए, even like कैसा बंद बंद सा फीलिंग नहीं होता है, इवन गेट टुगेदर भी हम लोग करते रहते हैं, कैचअप करते हैं फ्रेंड्स, सिंस रात को अगर बैठना हुआ या बर्थडे या किसी के कुछ सेलिब्रेशन तो हम लोग भी करते रहते हैं। तो डिस्टेंस की अगर बात करें तो कॉलेज, हाँ हमारा पीछे है ना, सबसे बड़ा कॉलेज वालों के लिए प्लस पॉइंट है, एनएसयूटी जस्ट सामने ही है, आप अप्रोक्स 120 मीटर्स ले सकते हो मैक्स, और उसी के बगल ही दीनदयाल इस पीजी की पूरी जान और शान, ठीक है, ये मान लो इस पीजी की बैकबोन है, ठीक है। मुकेश भाई सारा काम जानते हैं, ये यहाँ पे केयर टेकर भी है, यहाँ पे ये शेफ भी है, यहाँ के वार्डन भी है, यहाँ के इलेक्ट्रीशियन भी है, यहाँ के मतलब हर चीज़ है, सब काम इनको बहुत बढ़िया तरीके से आता है और बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं, कोई भी दिक्कत आती है फटाफट ही आपके साथ रहते हैं, ठीक है। तो मुकेश भाई सबसे पहले तो हेलो कर दो गाइस, है ना। तो मुकेश भाई एक बार ये बताओ, जैसे आप खाना वाना बनाते हो, है ना, तो हमने ये सुना है कि इस पीजी का खाना बाकी पीजीज के खाने से बहुत बहुत क्वालिटी हाई रहती है, तो क्या आप ऐसा यहाँ पे क्या डालते हो कि बढ़िया मेंटेनेंस रहती है? देखिए, एक नई चीज़ तो ये है कि हम एक अच्छे तरीके से साफ सुथरा तरीके से खाना बनाते हैं। दूसरा ये है, दूसरे की वजह से जैसे दूसरे पीजीओ में दूसरे क्वालिटी के नॉर्मल क्वालिटी के जो मसाले वगैरह आते हैं, इससे अच्छा हम अच्छी क्वालिटी के मसाले यूज करते हैं, जैसे एवरेस्ट के हो गए, कैच के हो गए, ये मसाले हम यूज करते हैं और अपने घर के तरीके से घर जैसे घर पे खाना बनता है वैसे खाना बना के खिलाते हैं बच्चों को। अच्छा, अब देखो जब मान लो रात हो जाती है, अब क्या है ना, अब बच्चा, अब पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को इतनी दूर भेजता है पीजी, तो वो सोचता है कि हमारा बच्चा सिक्योर रहे, थोड़ा मतलब सेफ्टी फैक्टर हो, तो आप क्या मतलब क्या रखते हो यहाँ पे? देखो, एक तो मुकेश भाई सुबह से लेके रात तक यहीं पे रहते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आपका ध्यान तो रखेंगे। और हमारे गेट कितने बजे बंद हो जाते हैं? गेट्स रात को 10 बजे के आसपास बंद हो जाता है, उसके अलावा बाहर जाना हो तो हम यहीं पर रहते हैं, तो कोई गेट खोल सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा सिक्योरिटी के लिए कैमरे वगैरह लगे रहते हैं, तो इन चीज़ों की दिक्कत नहीं होती है, वो सिक्योर रहता है सब। बाकी यहाँ का माहौल कैसा है, बच्चे यहाँ पे एकदम जैसे घर पे रहता है ना, जैसे एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई वढ़ाई करने के टाइम पे पढ़ाई करो, एंजॉयमेंट के टाइम पे एंजॉय करो, हर चीज बढ़िया करके घर के तरीके से यहाँ पे रह सकते हैं। बाकी गाइज यहाँ की रोज साफ सफाई होती है, आप देख सकते हैं प्लेट वगैरह भी काफी साफ दिखेगी, ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से भाई ने मेंटेन कर रखा है। चलो फिर आगे का कैंपस टूर कराते हैं आपको। चलो ठीक है, आप लोग यहाँ पे जैसे तैसे आ तो गए थे, ठीक है, बट लेकिन आपको यहाँ रह के अच्छा लगा काफी, वो तो शक्ल से पता चल ही रहा है, बट आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे कोई अगर आ रहा है तो उसको क्यों आना चाहिए, इसको इसी पीजी को क्यों प्रेफर करना चाहिए ओवर बाकी सारे? बहुत बढ़िया है, पहली बात तो, हाँ खाना सबसे बढ़िया तो खाना ही है यहाँ का, खाना और कहीं इतना बढ़िया नहीं है जितना यहाँ, डोले मेरे यहाँ पीजी का खाना खा के ही बधे। और दूसरी बात, यहाँ मशीन सही लग रही थी, कपड़े धोने की टेंशन नहीं करी, अपना जब मन हुआ जब धो लिए, हफ्ते 10 दिन में सूख के निकलते थे बढ़िया, कोई मेहनत नहीं, कोई कुछ नहीं, और बढ़िया सब चीज़ आसपास, बाल कटाने वो भी पास है, डॉक्टर भी पास है, सब चीज़ है बढ़िया, कोई दिक्कत। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पीजी के बालक जो है आसपास के, ऐसा नहीं लगता कि दूसरे दूसरे कॉलेज के हैं, कोई कहीं के हैं, सारे यार दोस्त बढ़िया बन के रहते हैं और बढ़िया मौज आती है। बाकी आपका मेन तो जैसे कि है कि यहाँ पे लगभग फैसिलिटी सारी है, फॉर एग्जाम्पल फ्रिज है, हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, और मेन दिक्कत जैसे कि नॉर्मल पीजीज में क्या रहते हैं कि एक एक वॉशरूम होता है और उसके उसमें ही मतलब कि 10 लोग 12 लोग ऐसे घुस जाते हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, हर एक फ्लोर पे दो दो वॉशरूम्स हैं, तो उसकी कोई ये नहीं होती कि ये ऑक्यूपाई हो गया तो हम नहीं कर सकते वगैरह अपना काम, तो इजी ये सब सारी चीज़ें हैं बढ़िया। देखो मैं तो स्टार्टिंग में ऐसे आया था इस पीजी में रहने, बट जैसे जैसे विद द टाइम, मुझे 2.5 साल हो चुके हैं रहते रहते, तो जैसे हमारे जो पीजी के ओनर भैया हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं,
जैसे आपको कोई भी दिक्कत हो, मशीन वगैरह कोई ख़राब हो गया, आप कभी भी कितने भी बजे उनको कॉल करके बता दो कि भैया ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है, जितना जल्दी हो सकता है वो ठीक करा जाएगा। खाना नहीं पसंद आ रहा, खाने का बता दो, मेन्यू टाइम टू टाइम शिफ्ट होता रहता है, चेंज होता रहता है, तो कभी भी आपको मोनोटोनी नहीं लगेगी लाइफ में, तो चीज़ें बहुत अच्छी चलती रहती हैं और काफ़ी फन है पीजी में रहना यहाँ पर। बाकी गाइस एक चीज और देखो, यहाँ पे क्या है ना, देखो जैसे भैया यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एनएसयूटी से है, वो डीडीयू से है, मैं भी एनएसयूटी से हूँ, तो यहाँ पे काफी डाइवर्सिटी है, तो हमें काफी कुछ यहाँ सीखने को मिलता है, और लोगों से इंटरेक्ट करते हैं आके, तो काफी नई चीजें सीखने को मिलती है। तो अब हम थोड़ी सी डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। जो हमारे हॉस्टल की बिल्डिंग्स हैं वो बेसिकली एनएसयूटी के नज़दीक हैं, जिसमें आपका एनएसयूटी आ गया जो कि 100 मीटर डिस्टेंस पे है, यहाँ से 500 मीटर के डिस्टेंस पे अपना पड़ जाता है दीनदयाल कॉलेज। उसके अलावा अगर मेट्रो स्टेशन की बात करें तो मेट्रो स्टेशन हमारा जो सेक्टर 14 द्वारका एंड द्वारका मोड, दोनों ही वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। इसके अलावा सेक्टर 12 जो कि एक हब हो गया है आज के टाइम पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, जिसमें फिजिक्स वाला, एलन, सारे जितने भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे वहाँ पे हैं, तो वो वहाँ से एग्जैक्ट डिस्टेंस जो है हमारा 2 किलोमीटर का है, जिसके लिए शेयरिंग रिक्शा यहाँ पे आपको किसी भी टाइम अवेलेबल रहती है सेक्टर 12 के लिए हमारे हॉस्टल से लेकर वहाँ तक। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स की, ग्रोसरी कुछ लेना है, स्टेशनरी कुछ लेना है, तो वो भी बिल्कुल आपको पीजी से बाहर निकलते ही सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बेसिकली स्टूडेंट ओरिएंटेड एरिया है, तो उसके हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं वो सारी ही अवेलेबल है। मुश्किल से आपको 5 मिनट का डिस्टेंस है हर एक चीज़ का, मेरे हॉस्टल से आप कॉलेज का लगा लो या बाकी किसी भी चीज़ का, रेस्टोरेंट्स, ग्रोसरी शॉप्स, सभी चीज़ इजीली अवेलेबल है। तो गाइस इसी के साथ हमारा पूरा पीजी टूर अब फिनिश होता है। होपफुली आपको सारे ग्लिम्स वगैरह प्रॉपरली मिल गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश करी है कि सारी फैसिलिटीज, सारी चीज़ें, जितने भी मतलब रूम्स हो गए, चाहे वो मेस हो गया, हर चीज़ बढ़िया तरीके से कवर करूं। बाकी मैंने कुछ स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ भी लिए, शेफ़ का इंटरव्यू लिया, ओनर का इंटरव्यू लिया, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है वो एकदम एवन ब्रिलियंट है। बाकी मैं भी यहाँ 1 साल रहा हूँ, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। मैंने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी, लाइक हम बाहर घूमने जाते थे, हमने शादियों में घुस घुस के खाना खाया है, हम यहाँ पे भी पढ़ाई, जब पेपर होते थे तो रात रात भर उठ के पढ़ाई भी की है, तो सबके ग्लिम्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको ये ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसको फिलआउट करोगे तभी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कर सकते हैं, ठीक है, दोनों के लिए पीजी अवेलेबल है। बाकी हाँ, आप मेरे थ्रू अगर आ रहे हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं स्पेशल ट्रीट करते ही करते हैं, मतलब आप मेरे थ्रू आ रहे हो ना, तो ये हाँ पता है कि आर्यन के थ्रू आया, समझ रहे हो, वो वाली बात आ जाती है फिर, तो इसलिए आप देख लेना, गूगल फॉर्म भर देना। बाकी चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।